तो ये रॉड आपकी सेक्स लाइफ चेंज कर सकती है। अगर आपने दवाइयाँ ले ली है, आपने इलाज करा लिया है, तब भी आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, लिंग खड़ा नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो ये प्रोस्थीसिस है, इसको इंडियन इम्प्लांट बोलते हैं, ये हमारे इंडिया में बनता है। और अगर इस प्रोस्थीसिस को लिंग के अंदर लगा दिया जाए तो आपको अच्छा सेक्स, अच्छा इरेक्शन, अच्छी हार्डनेस, अच्छी टाइमिंग, मतलब अगर आप 60 साल के हैं या 50 साल के हैं या 40 साल के हैं और आपका लिंग नहीं काम करता, तो ये रॉड आपको वो सेम सेक्सुअल प्लेजर दे सकती है जो आपको 15 साल की एज में आता था। इंडियन इम्प्लांट को लेके बहुत मरीज़ घबराते हैं, बहुत पेशेंट को लगता है कि क्या सर्जरी करानी पड़ेगी, पर अगर आपको दवाइयाँ नहीं काम कर रही, अगर आप इच्छाएँ बहुत है, पार्टनर भी है, सब कुछ है, पर आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली फिर आपको कुछ सर्जिकल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सर्जरी के एग्जांपल से अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए कैटरैक्ट और ना देख पाए तो क्या अंधा रहेगा? नहीं, कैटरैक्ट में लेंस लगता है। किसी का दिल बंद हो जाए तो क्या वो मर जाएगा? नहीं, दिल के वॉल्व चेंज होते हैं, दिल के अंदर स्टेंट डलते हैं। कि घुटने खराब हो जाए तो क्या वो बिस्तर पर बैठ जाएगा? नहीं, घुटने चेंज करा के भागेगा, अपनी लाइफ जिएगा। उसी तरह अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ बर्बाद हो जाए, अगर आप सेक्स नहीं कर पा रहे, अगर दवाइयाँ नहीं काम कर रही, तो क्या आप घर बैठ जाओगे? नहीं, आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को वापस पा सकते हैं इम्प्लांट के माध्यम से। सब लोगों को इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं है, 95% पेशेंट, मतलब 100 में से 95 मरीज़ दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, पर कुछ मरीज़ है 5% जिन्होंने मास्टरबेशन करके लिंग ख़राब किया है, या जिनके कार्डियक डिजीज़ की वजह से लिंग ख़राब हुआ है, या डायबिटीज़ की वजह से लिंग ख़राब हुआ है। इन मरीज़ों में जिनके अंदर दवाइयाँ नहीं काम कर रही, इम्प्लांट एक सही सोल्यूशन है। आज हमारी टीम आपकी बात कराएगी एक ऐसे पेशेंट से जिसका हमने इम्प्लांट किया था अराउंड 4 महीने पहले। वो बताएगा आपको उसका एक्सपीरियंस कैसा था। आज वो इम्प्लांट के माध्यम से अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए उनका इंटरव्यू सुनिए, और इंडियन इम्प्लांट के बारे में आपको जितनी भी जानकारी चाहिए वो मेरी वेबसाइट पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप तक लाया हूँ। अगर आपको किसी मरीज़ से रियल लाइफ में मिलना है तो क्लिनिक पे आएंगे, तो क्लिनिक पे आपको हमेशा कोई ना कोई मरीज़ मिलेगा जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको और तसल्ली करनी है तो मेरा स्टाफ आपको मेरे इम्प्लांट के पुराने मरीजों से, जिनको 5 साल 7 साल 10 साल हो चुके हैं, उनको फ़ोन के माध्यम से आपको कनेक्ट करवा सकता है। तो इंटरव्यू सुनिए, इससे आपको काफ़ी हद तक इम्प्लांट के बारे में सही जानकारी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, मैं डॉक्टर विजेंद्र गोविंदा गुप्ता असिस्टेंट। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक पिनाइल इम्प्लांट का पेशेंट लेके आया हूँ, जिसकी सर्जरी को 2 महीना पहले हुई थी, और पेशेंट जो है वो पंजाब से आए थे। तो जानेंगे पेशेंट ने क्या क्या सर्वाइव किया था और आफ्टर पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बाद वो कैसा फील कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आपकी सर्जरी को 2 महीना हो गया पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी को, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है, पहले से रिएक्शन में भी ठीक, साइज में भी ठीक, लेंथ में भी थी, मतलब हर तरह से थी। अच्छा, और एक बार कर दो, दो बार करो, कोई टेंशन नहीं है, किसी तरह का कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, आपका जो ड्यूरेशन टाइम है, मतलब सेट का जो टाइमिंग है, वो उसमें कितना सुधार है पहले से? पहले से मान लो दुगना, पहले से, पहले तो उसके पास जाते जाते बस एक दो बार में ना डिस्चार्ज हो जाता, मतलब वजाइना में डालने, अब तो 15-20 मिनट आराम से निकल जाते। अच्छा, इतना प्रकट हो गया। अच्छा ठीक है, अभी तक आपने इंट्रो कोर्स किया? किया, 2-3 बार किया मैंने, 2-3 बार किया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, आपके पार्टनर सेटिस्फाइड है आपसे? वो तो मुझसे ज़्यादा खुश है। अच्छा, हाँ मैं जानना चाहूँगा जैसे सर्जरी के टाइम पे आपको कोई पेन वगैरह? ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, किसी तरह का कोई दर्द नहीं, कोई वैसा नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही है जब करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई डरने वाली कोई बात नहीं। आधे पौने घंटे का अपनी सुनता है, इसमें पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया। डिस्चार्ज कब तक कर दिया आपको? दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया था। अच्छा ठीक, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपको? साइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पी, बिल्कुल साइज में भी मतलब कि 2 से 3 इंच का मतलब हो जाता है। हाँ, आपने इंट्रो कोर्स किया तो उसके इजेकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस समय बिल्कुल मैं हैप्पी हूँ। बिल्कुल हैप्पी हो, कोई सीमन में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। साइज वगैरह सब ओके? आप बिल्कुल ओके। हार्डनेस अच्छी फील हो रही है आपको? मतलब लिंग में जो तनाव है आपको, कैसा फील हो रहा है वो?
तनाव तो ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई चौकीदार जाग रहा है ना, वो जागता ही रहता है, मालूम है कि जाग रहा है। अच्छा जी, आप समझ गए। अच्छा ये मान लीजिए, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे इम्प्लांट से पहले कुछ डाउट्स होंगे आपके मन में कि मैं ऐसा था, मैं थोड़ा सा नर्वस था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, काटेंगे कि खून रहेगा, कि घबराहट तो थी, लेकिन ऐसा मेरा सोचना ही था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं था, नॉर्मल बिल्कुल आराम से हो गया, पता ही नहीं चला कब क्या होगा। अच्छा, कोई घबराने वाली बात नहीं। अच्छा, आप जैसे और भी पेशेंट हैं जिनको इम्प्लांट कराना है बट वो बस घबराते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो घबराने को वाली बात कोई नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आप आराम से आए, प्लान कराएं, घबराने की कोई, टेंशन फ्री हो जाए। लेकिन लाइफ में एक बार अगर प्लान करवा लेंगे ना, तो जिंदगी भर का दुख जो है ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैं तो यही कहना चाहूँगा जी। कितनी एज होगी आपकी? मेरी 45 साल एज है। ठीक है, अब आप शादी का प्लान कर रहे हैं जी? ठीक, इसीलिए प्लान करवाया। अच्छा, आपने इसलिए इम्प्लांट किया कि अब आप शादी करेंगे जी? ठीक, ओके सर, थैंक यू सो मच।